नमस्कार, पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ के आदर्श प्राथमिक विद्यालय कुरना के बच्चे अब स्मार्ट क्लासेस व वातानुकूलित कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, जिसका शुभारंभ बाल दिवस के अवसर पर विवेकानंद हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र जोशी द्वारा विद्यालय व बच्चों को लेकर किए जा रहे कार्यों की सराहना की। प्रधानाध्यापक जोशी ने बताया कि स्मार्ट क्लासेस व एयर कंडीशन कक्ष बनाना अभिभावक सहित अन्य लोगों के सहयोग से संभव हुआ है। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा व वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के एस मेहता द्वारा विद्यालय के विकास को लेकर 1-1 लाख रुपए देने की बात कही। समाजसेवी प्रकाश जोशी ने विद्यालय को जोड़ने वाली सड़क को और बेहतर बनाने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर समाजसेवी जुगल किशोर पांडे, राहुल शाह, अनिल मेहरा, यशवंत मेहर, सुनील भट्ट, सुरेश जोशी, संजीव पौरी, प्रकाश चंद, प्रकाश थापा, बसंत पुनेटा, ललित मेहता, प्रकाश भट्ट, दिनेश आगरी, गोविंद सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिव शंकर जोशी द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ नगर के व्यापार भवन में युवा प्रकोष्ठ, व्यापार मंडल व व्यापार संघ पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारी नेताओं द्वारा देव सिंह मैदान में आयोजित सरदोसों में बाहरी व्यापारियों को दुकान आवंटित किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। व्यापारी नेताओं ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नगर पालिका परिषद पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए स्थानीय व्यापारियों की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष शमशेर मेहर ने इसकी निंदा की है। कहा कि बैठक आउट की, व्यापारियों को बुलाया, व्यापारियों की सहमति से ही वहाँ पे बात हुई। उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की कि बाहर के व्यापारी को इसमें आमंत्रित नहीं किया जाएगा, केवल पिथौरागढ़ के व्यापारी ही इसमें अपनी दुकानें लगाएंगे। लेकिन दोगलापन देखिए कि उन्होंने बाहर के व्यापारियों को यहाँ पर आमंत्रित किया और जिससे हमारे व्यापारियों का एक तरह से उत्पीड़न भी हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में हमारा व्यापारी सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित रहा है। साथ ही साथ ऑनलाइन बिजनेस ने व्यापारी की कमर तोड़ी है। ऊपर से अभी मॉल एक सबसे बड़ी समस्या बनकर पिथौरागढ़ के व्यापारियों को समझ आया है और थोड़ा बहुत व्यापारी उभरने लगा था। तो अभी ये मेला जिसमें कपड़े, क्रॉकरी, ए टू जेड चीज़ बाहर से मंगाई गई है, जबकि वही चीज़ हमारे व्यापारी भी यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, तो पिथौरागढ़ के व्यापारियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है पालिका के खिलाफ, क्योंकि पालिका ने वहाँ पे आश्वासन के बाद अपनी बातों से मुकरते हुए दोगलापन दिखाया है, जिसके लिए पूरे व्यापारी वर्ग में बहुत ज्यादा रोष है। सीमांत जनपद की पर्वतारोही शीतल राज को राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर जनपद भर में खुशी व्याप्त है। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद के जजरदेवल क्षेत्र की रहने वाली पर्वतारोही शीतल राज को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया। शीतल ने माउंट एवरेस्ट के सफल आरोहण के साथ बीते 2017 में विश्व की तीसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का सफल आरोहण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस चोटी को सबसे कम उम्र में फतह करने वाली पर्वतारोही शीतल हैं। शीतल को सम्मानित किए जाने पर सीमांत क्षेत्र में खुशी व्याप्त है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों सहित अन्य लोगों ने शीतल को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बीते लंबे समय से बंद चल रही पिथौरागढ़ रामनगर KMOU बस सेवा बीते दिवस शुरू हो गई। KMOU स्टेशन इंचार्ज अशोक चौहान ने बताया कि कोरोना काल के दौरान पिथौरागढ़ रामनगर बस सेवा बंद कर दी गई थी, रविवार से इसे शुरू कर दिया गया है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा वाया रामनगर बस सेवा शुरू होने से इस मार्ग में वाहन बदल बदल कर गंतव्य तक पहुंच रहे यात्रियों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि बस के रवाना होने का समय 5:00 है। अन्य बस सेवा हल्द्वानी, बागेश्वर, ग्वालदम, पूर्व की भांति संचालित हैं। पिथौरागढ़ के हिमनगरी मुनस्यारी में आगामी 2 दिसंबर से मुनस्यारी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजू पांगती की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 2 दिसंबर से महात्मा गांधी क्रीड़ा स्थल में महोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया गया। साथ ही महोत्सव को भव्य रूप देने को लेकर भी विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में जवाहर क्लब अध्यक्ष केदार मर्तोलिया, मुन्ना सयाना, रवि ब्रजवाल, कुलदीप रावत, हरीश चिराल, गगन पांगती, वीरेंद्र चिराल, सुरेश ब्रजवाल, भुवन धर्मसत्तु, हिमांशु धर्मसत्तु सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में आयोजित सरदोसों विकास प्रदर्शनी में बीते दिवस सांस्कृतिक दलों व स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। दोपहर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें वाद्य यंत्र प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता, झोड़ा चाचरी खेल, न्योली सहित अन्य प्रतियोगिताएँ शामिल हैं। शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए खासी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी।
पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में आयोजित सरदोसव विकास प्रदर्शनी को लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक तिवारी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि सरदोसव को लेकर कुछ सवाल मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। आज जो सरदोसव का आयोजन हो रहा है, मैं उसमें सवाल उठाते हुए ये पूछना चाहता हूँ, आखिर वो लोग कहाँ है जो हमेशा सरदोसव का विरोध किया करते थे कांग्रेस शासनकाल में? आज हम देख रहे हैं तो उस मैदान में, जिस मैदान को लेकर ये कहा करते थे कि इसमें सिर्फ खेल गतिविधियाँ ही यहाँ पर कोई की जाएगी और अन्य कोई भी यहाँ पर कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार आते ही हम देख रहे हैं कभी बसंत उत्सव हो, कभी सरदोसव हो या अन्य कार्यक्रम हो, उस मैदान में किए जाते हैं। वहाँ उस मैदान में घास को लेकर भी बड़ी एक राजनीति करने वाले कुछ लोग थे। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, आज ये सरदोसव का आयोजन किया जा रहा है? हमारे चैनल पर नियमित समाचार सुनने के लिए व पिथौरागढ़ समाचार ग्रुप व्हाट्सएप व टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।